ये आपका क्या नाम है? रामकरण। कहाँ के रहने वाले हो? सादुल्लापुर। ऐसा क्या मामला जो आप खीरो हॉस्पिटल आए हैं? वो हमारी पत्नी जो कुएं में पानी वो नलके में पानी भरने गई थी, बगल में कुआं था जी, तो वहीं पे पैर इसका सिलपा है, क्या हुआ है बच्चे, हाँ एक हाथ में बाल्टी ली हुई थी, एक हाथ में बच्चा लिया हुआ जी, तो ये कुएं में लेके गिर गए दोनों बच्चे। कुएं में पानी था? नहीं, कुएं में कोई पानी नहीं था, कुआं एकदम सूखा हुआ है। नल और कुएं की दूरी कितनी है? बस इतनी दूरी जैसे गेट, लगभग लगभग वही 5 फुट 5-6 फुट दूरी है। तो 5 फुट दूरी में कैसे कुएं में चली जाएंगी वो? 5 फुट की दूरी घूमते कुएं के पास से ही घूमने की रास्ता है। बेटी क्या नाम है आपका? दीपांशी। कहाँ के रहने वाली हो? सादुल्लापुर। क्या हुआ है जो आप अस्पताल आई हैं? तो इनके साथ एक बच्चा भी था, तो बच्चे सहित गिर गई थी क्या? अच्छा, बाल्टी एक हाथ बाल्टी ली थी, मेरे भाई को लिया था जी। आपके पापा क्या नाम है? रामकरण जी। अच्छा, लेकिन लल्लन यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ जो हमारी बहन। क्या नाम बहन का? माधुरी। कहाँ रहती है, कहाँ ब्याही है? सादुल्लापुर। सादुल्लापुर। किसके यहाँ ब्याही है? रामकरण। इनके पिताजी का नाम सर मुझे मालूम नहीं है, मगर राजा लोग कहते थे पहले। क्या हुआ है आप यहाँ? आज हुआ क्या है? आज झगड़ा हो रहा था, इन लोगों ने जो है कि आए हमारी बहन के ऊपर, मान लो पता नहीं कैसे क्या किया, जो कि तो मैंने बयान ले नहीं पाया उनसे, कुएं में गिर गई। बहन है, उसके अलावा बच्चे? बच्चे एक लड़का है, 2 लड़की। तो लड़का नहीं गिरा था कुएं में? छोटा है, मैं तो अभी वो बयान नहीं ले पाया। डॉक्टर साहब, पर्चे क्या है आपका सर, और क्या है मामला सर? कोई एक महिला आई है सर। जी, मैं डॉक्टर प्रदीप यादव, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सा अधिकारी के पुत्र हूँ। ये केस हमारे पास आया है 7:25 पे। एक महिला है 32 साल की, माधुरी, जिसका नाम है, पति का नाम रामकरण है, गांव सादुल्लापुर, जिला रायबरेली। इसको जैसा कि बताया गया कि एक कुएं के पास पानी भर रही थी, वहाँ से गिर गई, जिसकी वजह से इसके सर में चोट आई। सर में चोट की वजह से काफ़ी ब्लीडिंग हो रही है, और सर में एक चोट आई है, कट मार्क्स है, तो उसका हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट कर दिया गया, जिस उसके बाद उसको सीटी स्कैन इस केस में रिक्वायर्ड है एंड एक्सपर्ट ओपिनियन रिक्वायर्ड है, जिसके लिए हमने उसको जिला अस्पताल रायबरेली के लिए रेफर किया है।